आम के पेड़ में बैठा हुआ है। गोपुलू आम के पेड़ में बैठी है, कैसी लग रही है? सोच रही है नीचे आऊं या ना आऊं, जगह भी बहुत परफेक्ट ढूंढ रखी है इसने अपने लिए। गोपुलू, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड बज चुके हैं सुबह के 11:30 और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। तो फ्रेंड्स देखो, आज गोपुलू कहाँ जा करके बैठी हुई है, वो आम के पेड़ में चली गई है। अभी तक बेचारी सो रही थी और बाहर उठ करके जब टहलने के लिए आई थी तो एक ब्लैक डॉग ने इसको भगाया, जिस वजह से ये डर के मारे पेड़ में चढ़ गई और तब से ये पेड़ में ही, अब आ भी नहीं रही है। ये नीचे कोशिश कर रही है शायद आने की अब। और बाहर तो हो रही है बूंदाबांदी, बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं, धूप के साथ क्योंकि हो रही है बूंदाबांदी, तो पता नहीं धूप आएगी या बारिश आएगी। और पता नहीं बिजलू कहाँ है, बिजलू तो आ ही नहीं रखा है। अगर सुबह 3 बजे के आसपास चला गया था घूमने के लिए तब से आया ही नहीं है। और इसका सही है, ये घर पर ही रहती है, ये नहीं जाती कहीं भी। इसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये घर से बाहर जाएगी तो हम दोबारा इसको क्या पता ना आने दें, बट ऐसा नहीं है। जब अब आई गई है तो क्यों भगाना है इसको, अपने आप हम लोगों के साथ ही रहेगी। हालांकि इसकी और बिजलू की फाइटिंग तो बहुत होती है। आजकल बिजलू की टोकरी में सो रही है, या जिस दिन देख लिया ना बिजलू ने कि इसने टोकरी में कब्जा कर लिया तो उस दिन और पिटाई पड़ेगी इसको बिजलू से। उतर गई पेड़ से नीचे, आ जा चला। ये देखो सीधा अंदर कोई दौड़ लगाया इसने, चल फिर चल। खाना खा पी करके तो बाहर ही आ रही थी ये। 5 बज गए लेकिन बिजलू का कोई अता पता नहीं है। और मम्मी ने शुरू कर दिया यहाँ पर पेड़ों की कटिंग और पौधों की भी कटिंग। अभी तक पारिजात की कटिंग कर रहे थे और अब स्टार्ट कर दिया है फूल के पौधों की कटिंग करना। ये पारिजात वाला तो सही किया यार काट के, क्योंकि जब समय नीचे वहाँ पानी भर रहे थे ना तो पूरा पत्ता सर पर लग जा रहा था। डर भी है भाई यहाँ सांप लोगों की, कीड़े मकोड़े सांप कब लटक रहे होंगे पता ही नहीं चलता है। पारिजात के टहनियाँ नीचे नीचे से पूरे काट दिए हैं और ये वाला भी बड़े हो चुका था तो मम्मी ने इसकी भी कटिंग कर दी है। और यहाँ की कटिंग करने के बाद से अब आड़ू के पेड़ की बारी आ गई है। आड़ू का पेड़ भी, इसमें आड़ू नहीं हो रखे हैं और बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब यहाँ इसकी कटिंग चल रही है। सारे पेड़ कटेंगे एक एक करके, जितनी टहनी आने से सरी हो रखी हैं साइड साइड से ज़्यादा ही लटक रहे हैं, उनको मम्मी काटने पे लगे हुए हैं। अमरूद भी हो ही रखे हैं अमरूद के पेड़ में, छोटे छोटे अमरूद हो गए हैं पूरे पेड़ में। लेकिन इनकी गारंटी नहीं, अभी हो सकता है इनमें कीड़े भी हों, क्योंकि बरसात के टाइम में जो अमरूद होते हैं उनमें कीड़े रहते हैं। और यहाँ पर मम्मी को एक पक्का अमरूद मिल गया है। ये देखो पुदीना के क्या हाल हो गए हैं, लग भी नहीं रहा कि यहाँ पर किसी टाइम पर इतने सारे और इतने अच्छे पुदीना हो रखे थे। अब ना पुदीना रहे ना पुदीना की चटनी। एक अमरूद मिल गया। अभी मौसम भी अच्छा हो रखा है, हवा भी चल रही है, इसीलिए मम्मी ने तो कर दिया है अपना काम स्टार्ट। पहले से पारिजात का पेड़ काट रहे थे, उसके बाद से फिर आड़ू का पेड़ भी इतना घना हो चुका था तो फिर थोड़ा उसको भी काटा और अमरूद की पेड़ की भी कटिंग करी। अब वहाँ से थोड़ा घास वगैरह हटाने लग गए हैं और हम लोगों का बिजलू सुबह से अभी तक नहीं आ रखा है, पता नहीं कहाँ है यार वो। और इसे देखो गोपुलू को कैसे बैठ रखी है, जैसे बिजलू बैठा रहता था। बिजलू नहीं है तो अब ये बैठी हुई है वहाँ पे, बिजलू का चार्ज ले लिया इसने। गोपू, ए गोपू, क्या खाना खाएगी? चल तेरे को खाना देते हैं। हाँ चल आ जा, चल चलो खाना खाएगी, आ जा, चल इधर आ, इधर किचन में आ, आ जा गोपू, आ किचन में आ, आ जा। देखा ये भी बात समझने लग गई है, आ जा आ किचन में आ। तो दूध दे दिया फिर भी तुमने म्याऊं कर रहा है, देखो उसको दूध दे दिया, सबूत ये है कि अपना मुंह देखो कैसा कर रहा है। बिल्लियों के इसी से मालूम चल जाता है कि इन्होंने कुछ खाया है। और यहाँ पर इसको देख के भात खा, इधर आ, आ इधर आ, ये देखिए भात दे रखा है, दूध भात है, आ खा दूध भात खा। क्यों नहीं खा रहा है, खा, इसको ऐसे के खिलाना पड़ेगा, ले खा।
पता नहीं क्या समझ रहा था ये जो नहीं खा रहा था। इन बिल्लियों को दिखता कम है क्या? बिजलू भी ऐसे ही जबरदस्ती जब उसके मुंह में लगाओ तब खाता है, ये भी ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, पेड़ वगैरह की कटिंग कर दी है, ज्यादा नहीं काटे थे, थोड़े थोड़े काटने थे तो वो तो कटिंग कर लिया है। और गोबुलू को भी खिला दिया है खाना, उसके बाद से आ गए हम लोग ऊपर छत में। नीचे के कंपैरिजन में ऊपर ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ऊपर ज़्यादा तेज हवा चल रही है। हालांकि नीचे भी आज अच्छा हो रखा है मौसम, लेकिन छत में तो और तेज हवा चल रही है। देखो आड़ू का पेड़ बिल्कुल छत से भी ऊपर पहुँच गया है हम लोगों के हाइट में, इसीलिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। और इसमें आड़ू भी एक साल आते हैं एक साल नहीं आते। इस बार तो हमारे इस पेड़ में आड़ू ही नहीं आ रखे थे, इसीलिए अभी डिसाइड कर रखा है कि इस बार इस पेड़ को थोड़ा थोड़ा पहले की तरह काट देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है, छत से भी ऊपर पहुंच रहा है और घना भी कितना हो रखा है, बहुत सारी टहनियां निकल गई उसमें से। और वही हाल अमरूद के पेड़ का भी, आम के पेड़ का जैसा हो गया कह रहे मम्मी। और जबकि आम का पेड़ देखो वहां पर कैसा, वैसे सही कह रहे हो, आम का पेड़ और ये देखो आड़ू का पेड़ एक जैसा हो रखा है भाई, इतना बड़ा सा। उसमें इस बार आम भी हो गए थे, आम तो अच्छे आए थे और हम लोगों ने खूब आम भी खाए उस पेड़ के। इस पेड़ में भी एक साल आड़ू बहुत सारे हो रखे थे, बहुत सारे, लेकिन इस बार एक भी आड़ू। अच्छा, तो इस बार नहीं काटेंगे क्योंकि इस बार आएगा ना, पिछले बार तो सिर्फ 5-6 आड़ू थे। यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे थे सूखने के लिए, वो भी सूख चुके हैं, बस एक सलवार बाकी है। तो भाई चलते हैं नीचे, काफी टाइम हो गया ऊपर भी। गोपुलू, ओ गोपुलू, तेरे को ये टोकरी अच्छी लगी? देखो फ्रेंड्स, इसने खाया पिया और दोबारा टोकरी में ही आ गई। ये घर के बाहर भी नहीं जाती घूमने के लिए, ये यहीं रह रही है अब, और टोकरी इसके लिए सही भी हो रहा है। सो या अभी तो बैठी हुई है, बस सोने की शुरुआत चल रही है। ये टोकरी में इतना फ्री होकर के सोती है ना, बिल्कुल जैसे बाकी जगह इतनी चौकनी रहती है, लेकिन इस टोकरी में ये, इसे लगता है कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा टाइप का। अब सो जाएगी ये यहीं पर एकदम रिलैक्स हो करके। क्या रहा है, हमारा बिजलू आगे आ गया और साथ में उसको फॉलो कर रहा है गोपुलू। आऊ आऊ आ, कहाँ था तू बिजलू? तू पहले बता कहाँ था, कहाँ था? ये देखो उसको वहां से छुप के देख रही है। ये है बिजलू, 8 बजे हो रहा है इसका टाइम आने का। कहाँ था तू बिजलू? कहाँ था बता, कहाँ था? अब आराम करेगा, थक गया बहुत ज्यादा हमारा बिजलू भाई। कम बात है क्या, सुबह 3-4 बजे के टाइम पर निकला हुआ है घर से, वो देखो नींद आ रही है उसे। हमारा भी डिनर का टाइम हो रहा है और देखो ये मम्मी के साथ साथ ऐसे चलता है। जा क्यों रुक गया, मुझे देख करके रुक गया ये, वरना मम्मी के साथ किचन में आना जाना दोनों से कंटिन्यू रहता है। ये देखो वापस से मम्मी के पीछे पीछे चला गया। ये देखो आया ना साथ साथ वापस, किसने रास्ता नहीं देखा है, गोपुलू ने या मम्मी ने? मैंने नहीं देखा है कह रहा है वो, अब अंदर नहीं जाएगा ये, हाँ यहीं पर ही रुक जाएगा बस। ये अंदर नहीं जाता है, यहीं से टर्न कर लिया। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 8 और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है रेडी, और फाइनली बिजलू भी पहुंच गया है घर। आज पूरे दिन भर वो गायब था, सुबह 3-4 बजे के टाइम पर चला गया था और अब जाकर के पहुंच रहा है। तो फिलहाल तो बिजलू कर रहा है रेस्ट, उसके बाद बिजलू को कराएंगे डिनर, क्योंकि दिन भर पता नहीं उसने खाया पिया होगा या नहीं। और ये गोपुलू तो भाई घर पर ही है, इसके तो मजे आ रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ साथ कर रहा है अभी डिनर। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अभी अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स
पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कैसा खा रहा है देखो रोटी। पहले भोलू बिजलू दोनों बैठे रहते थे साथ इस तरीके से, अब ये आ गया है।